और राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन करेंगी। मुर्मू के प्रस्तावकों में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं। 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में आज मेहमान देशों के बीच वैश्विक विकास पर हाई लेवल बैठक, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। अग्निपथ योजना के तहत आज से वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा। और जमीयत उलमाए हिंद की यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राष्ट्र से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं भारतवर्ष टॉप 9। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर करीब 12:30 बजे राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के रूम नंबर 29 में राज्यसभा के महासचिव के सामने पर्चा भरेंगी। उनके नामांकन पत्र के 4 सेट तैयार किए गए हैं। मुर्मू के प्रस्तावकों में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं। इससे पहले कल उन्होंने पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति सहित कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। रूस यूक्रेन जंग के बीच 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में आज अतिथि देशों के बीच वैश्विक विकास पर एक हाई लेवल बैठक होगी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर पीएम मोदी सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे। इससे पहले कल पीएम ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले सालों में हमने ब्रिक्स में कई संस्थागत सुधार किए हैं जिससे संगठन का प्रभाव बढ़ा है। पीएम मोदी ने असम में बाढ़ के कहर पर दुख व्यक्त किया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीएम ने ट्वीट किया कि पिछले कुछ दिनों से असम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई है। केंद्र सरकार असम में स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है और चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। राज्य के लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें पीड़ितों को लगातार मदद पहुँचा रही है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज अहम बैठक करने जा रहे हैं। कल देश में 13,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 84,000 के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 8% से ज्यादा है। वहीं महाराष्ट्र में भी एक दिन में 5,218 नए केस आए हैं, जिसमें अकेले मुंबई में 2,489 लोग संक्रमित मिले हैं और जबकि एक मरीज की मौत भी हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार के 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें एक डिप्टी सेक्रेटरी और 2 एसडीएम शामिल हैं। जिन अफसरों को सस्पेंड किया गया है उनमें दिल्ली के वसंत विहार के एसडीएम हर्षित जैन, विवेक विहार के एसडीएम देवेंद्र शर्मा और सीएम दफ्तर में तैनात डिप्टी सेक्रेटरी प्रकाश चंद्र ठाकुर का नाम शामिल है। तीनों ही अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। indianairforce.nic.in पर आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 5 जुलाई तक युवा अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं और ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई 2022 से शुरू होगी। किसान यूनियन SKM और BKU ने देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया है। जिला मुख्यालय पर जमा किसान इस स्कीम का विरोध कर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ आज जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस CTV रवि कुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल कर जमीयत की अर्जी का विरोध किया और कहा कि जो भी कार्रवाई की गई है वह कानून के मुताबिक की गई है। गहलोत सरकार के बीजेपी नेताओं के केस वापसी कर सद्भाव संदेश का अब कांग्रेस के कई नेताओं ने विरोध किया है। कांग्रेस नेता भरत सिंह कुंदरपुर ने खत लिखकर फैसले पर ऐतराज जताते हुए मुकदमा वापस लेने की मांग की है। वहीं पायलट समर्थक नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के लिए लाठियां खाने वाले नेता केस वापसी के लिए दर दर भटक रहे हैं, जबकि सरकार बीजेपी नेताओं के केस वापस ले रही है। सीमा पार से होने वाली पाकिस्तानी साजिशों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने LOC पर चौकसी बढ़ा दी है। TV9 ने सरहद पर दुश्मन और मौसम की कड़ी चुनौतियों के बीच भारतीय लड़ाकों की लगातार पेट्रोलिंग का जायजा लिया। LOC पर हाईटेक बाड़ेबंदी और नए हथियार मिलने से भारतीय सेना को पहले से ज्यादा मजबूती मिली है, लेकिन सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहना पड़ता है।